श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 7 अगस्त सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है 2017। तो इस दिन आप मनचाही सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, देवों के देव महादेव मतलब भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में 5 सोमवार के अद्भुत संयोग से श्रद्धालु खास उत्साहित हैं इस बार। हालांकि 7 अगस्त को पड़ने वाला आखिरी सोमवार पर चंद्र ग्रहण का साया रहने से शिव भक्तों को पूजा अर्चना के लिए लगभग 4 पहर ही मिलेंगे। सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही श्रावण मास के समापन का खास योग कई वर्षों के बाद ही बनता है। स्वार्थ सिद्धि योग में शुरू हुआ श्रावण का महीना 7 अगस्त को आखिरी सोमवार के स्वार्थ सिद्धि योग में खत्म भी होगा। तो ज्योतिषियों के अनुसार स्वार्थ सिद्धि योग का जो वक्त होता है बेहद शुभ होता है। स्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ है कि आप अपने आप में सिद्धि प्राप्त करना। इस दिन की गई पूजा या हवन यज्ञ का काफी महत्व अधिक होता है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो इस वजह से जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, 7 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इस वजह से सूतक दोपहर 1:52 पे शुरू होगा दोपहर से और 9 घंटे तक चलेगा। चंद्र ग्रहण रात को 10:52 से शुरू होगा, जबकि मोक्ष काल रात को 12:48 तक रहेगा, मतलब वो 8 अगस्त हो जाएगा। तो सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। इस वजह से दोपहर 1:52 से सावन का सोमवार होने के बाद भी मंदिर परिसर के सभी कपाट भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे और ग्रहण काल में और सूतक काल में देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए 1:30 तक जितने भी शिव भक्त हैं शिव दर्शन का लाभ ले लेना चाहिए उनको। और ये जो स्वार्थ सिद्धि योग है इसमें आप हनुमान जी का, शिव जी का, जिसका भी आप जाप करेंगे उसका बेहद फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।